आगामी विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस की ओर से 50 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई है। धनबाद और बोकारो की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो ने रविवार को धनबाद में बैठक के दौरान यह घोषणा की है। साथ ही लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस प्रत्याशी की हार पर भी पार्टी के नेताओं ने मंथन किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने की रणनीति बनाई गई है। जेबीकेएसएस जिला कार्यकारिणी की बैठक धनबाद में हुई। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति बोकारो धनबाद जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर था। विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की गई है। कार्यकारिणी समिति तमाम विंग और धनबाद और बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की थी, हो ही रही है। और आज की बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोग विधानसभा के चुनाव में हम लोग की तैयारियां क्या होंगी, कैसे हम लोग विधानसभा के चुनाव को फतह करेंगे और इस राज्यवासियों के जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए जाके नीति नियम बनाने में हस्तक्षेप कैसे करेंगे, इन सब गंभीर विषयों पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है। चर्चा परिचर्चा भी जारी भी है। देखिए, 50 से अधिक सीटों पे हमारी तैयारी है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग 8 सीटों पे लड़े थे जिनमें 46 सीटें आती है, तो उनमें तो तैयारी है ही है। हर एक क्षेत्रों में हमारे कैडर हैं, कम हैं कहीं अधिक हैं, और विधानसभा चुनाव के नज़दीक जाते जाते उनकी संख्या में इजाफा होगा, दुगनी होगी तिगुनी होगी, तो उन सीटों पर लड़ेंगे। उसके अलावा 2-4 विधानसभा लोकसभा छूटे थे और उन सीटों पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा, आखिर कहाँ चूक रही जी? कुछ चूक रही, देखिए समीक्षा हो रही है। हाँ, उनकी भी समीक्षा हो रही है। लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी चूक रही कि हमारे पास जो कैडर नहीं थे, चुनाव हम लोगों ने केवल एक इमोशन से चुनाव लड़ा। हमारे पास बूथ में बैठने के लिए बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अगर बूथ मैनेजमेंट होते हैं, अगर एक बूथ में मान के चलिए 20 बूथ ही एक्स्ट्रा एड होते हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 2000 बूथ हैं, तो 2000 को आप 20 से गुना करके देख लीजिए, तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रही। हमारी कमी जो हमारे कैडर्स रहे उनमें कमी रही। हम कैडर्स भी अगर रखते तो कम से कम कैडर वोट भी हमें आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार होती है वो प्लान कभी नहीं रहा। हम लोग हमेशा सभाओं में रहे, हमेशा रोड शो में रहे, क्योंकि समय ही नहीं था। क्योंकि बाकी जो दल थे उनके पास बाकी स्टेट से भी लीडर आते थे। इंडिया गठबंधन के पास नहीं करने से भी 1000 स्टार प्रचारक हैं, एनडीए गठबंधन के पास भी 1000 स्टार प्रचारक थे, लेकिन जयराम महतो की टीम में सारा चीज़ हम लोग के सेंट्रल के जो 2-3 चेहरे थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साधन संसाधन की कमी, समय का अभाव रहा। अगर समय और 10 दिन मिलता तो गिरडीह लोकसभा हम चुनाव जीत जाते, ये मेरा विश्वास है। देखिए, अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा हैं पिछड़े, सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं, लोग कभी कुछ बातों पे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। कहाँ करता है वो नाम अगर आप बता पाए? देखिए, ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटा नागपुर की 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर पर आते हैं उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं उन 25 सीटों पर हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पर कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और बाकी गठबंधन भी आप लोग करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे हम लोग। अपने दल के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी गठबंधन के छत्र छाया में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और धनबाद लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा में से किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा, तो यही फिलहाल मंथन चल रहा है और संगठन का भी यही निर्णय है। जातीय समीकरण भी रहेगा क्या में? नहीं, जातीय समीकरण नहीं। जो पहले से आंदोलन में जुड़े हैं, जो हमेशा अगुवाई किए हैं, हालांकि सामाजिक समरसता की बात हर कोई करता है, हर कोई करना भी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन से जुड़े लड़के हैं वो प्रथम रहेंगे। उसके बाद बाकी जो समीकरण आप कह रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आज भी 24 वर्ष हो गए झारखंड को, अगर आज भी इस राज्य की एक स्थानीय डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण जब भी यहाँ की कोई वैकेंसी आती है तो उस डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण उसका नियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और हमारी सीटों को गैर झारखंडियों में बांट दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है।
तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक मजबूत स्थानीय नीति बने, फिर उस स्थानीय नीति के आधार पर एक नियोजन नीति बने। चूँकि हमारा क्षेत्र नौकरियों के बाद, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हम कहीं रोजगार सृजन करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं और माइंस के एरियाज में करते हैं। तो वहाँ जो हमारा कंपनी का जो एक्ट होगा उनमें हम लोग राज्य सरकार का जो आवेदन माने संदेश होगा वो केंद्र को भेजा जाएगा कि कंपनी एक्ट में ऐसा संशोधन हो ताकि वहाँ के रैया, तो वहाँ के विस्थापित और उस आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को मैक्सिमम लाभ हो। हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में आते हैं तो राज्य की एक बेहतर कृषि नीति बनाई जाएगी, यहाँ के जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर गाँव में आप चले जाएँ तो 9वीं 10वीं में जो बच्चे आ गए हैं वो भी आज अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शायद शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते हैं। तो शैक्षणिक व्यवस्था भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकी प्रदेशों की तुलना में हम पीछे हैं। तो उसके लिए हमें लगता है जो उपाय करने होंगे, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, उनके माध्यम से हम लोग जाएंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हाईकोर्ट बकायदा कह रही है, रिम्स को फटकार लगा रही है, आपके यहाँ तो NMCH की क्या कहानी है, पत्रकार बंधु आपसे छुपा नहीं है, लेकिन रिम्स की कहानी क्या है वो हाईकोर्ट बता रही है, उनको फटकार लगा रही है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो रिम्स को बंद कर दें। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा है। अतः हम लोग राज्य की एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाएंगे जिसमें किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से बाकी जो उपकरणों की व्यवस्था होगी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। फंडिंग की कुछ कमी वगैरह का महसूस होते क्या लोकसभा चुनाव? देखिए, अगर हम लोग चुनाव अगर थोड़ा सा भी, मतलब बाकी लोग नेता जो जिस प्रकार से जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हैं हम लोग जीत जाते हैं। 1 लाख वोट को आप 1 लाख मत देखिए, आप देखिए 50,000, अगला अगर 50,000 लाना था आप 50,000 आपके तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ अगर जनता को बूथ के माध्यम से अगर हम लोग 10-15 लाख भी खर्च करते हैं तो चुनाव हमारे पास होता, लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी फंडिंग की कमी, इस बात को स्वीकार करना होगा। और हम लोग वही जनता का चुनाव, जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है वो कौन हमें प्रमोट करेगा? यही रणधीर वर्मा का चौक था, यही राजकुमार मंडल जी हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे, तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा? और हमें, हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की, आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है? कौन है जो मने तमाम जो माफिया है उनको आंख दिखाता है? कल क्या वल्लोदना की घटना आपको भी मालूम है, बताइए कोई काम मांगने गया आप गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये कैसा संवैधानिक देश है, ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? तो हमें तो हमारी निर्भीक अंदाज ने नेता बनाया, हमें तो हमारे निडर स्वभाव ने नेता बनाया है। हम किसी को ना अच्छा करने आए, मैंने अच्छा अगर करने आए हैं तो हम जनता को करने आए, हम किसी को खराब करने नहीं आए किसी नेता को। उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपने राज्य के लिए आए हैं और राज्यवासियों के लिए अच्छा कैसे करेंगे उस पर हम लोग लगातार चिंतन मंथन करते हैं।